बुरा हूँ या अच्छा हूँ, जैसा भी हूँ सच्चा हूँ। इसी तरह की कुछ बातें आजकल सीएसके के जान रहे बल्लेबाज सुरेश रैना के लिए हो रही है। जाहिर सी बात है, बात उठी है तो दूर तलक जाएगी, और जाए भी क्यों ना, जब सोशल मीडिया का जमाना हो और बात हो रहा हो स्टार खिलाड़ी सुरेश रैना का, तो बात उठी है, दूर तक भी गई है, और फिर क्या, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग रैना। कभी कभी छोटी सी बात भी बड़ी बन जाती है, लेकिन बात बड़ी होने के पीछे का कारण आखिर क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। इन दिनों सोशल मीडिया पर रैना ट्रेंडिंग चल रहे हैं, कारण है उनका आईपीएल 2020 जो कि यूएई में हो रहा है उससे भारत वापस आ जाना। खबर कुछ ऐसी है कि रैना आईपीएल 13 के लिए यूएई पहुंची सीएसके टीम के होटल रूम से नाखुश थे। दरअसल जब से सीएसके 21 अगस्त को दुबई पहुंची है, रैना उस होटल के कमरे से खुश नहीं थे जो उन्हें दिया गया था। रैना कोरोना को लेकर कठोर प्रोटोकॉल चाहते थे और वह उसी तरह के कमरे की मांग कर रहे थे जो धोनी को दिया गया था। यह भी सामने आया कि टीम जिस होटल में क्वारंटाइन थी वहां रैना के कमरे में उचित बालकनी नहीं थी। धोनी रैना को शांत नहीं कर सके और स्थिति हाथ से निकल गई। सीएसके के टीम के दो खिलाड़ियों के साथ कुल 13 सदस्य जब कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो रैना का भय और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन चेन्नई का टीम मैनेजमेंट सुरेश रैना की यह मांग पूरी करने को तैयार नहीं था, और थोड़ी बहुत तानातानी के बाद रैना ने आईपीएल छोड़ने की ठान ली। टीम के मालिक एस श्रीनिवासन के अनुसार सुरेश रैना खराब होटल रूम और कोरोना वायरस के डर की वजह से आईपीएल 2020 छोड़कर स्वदेश लौट आए हैं। इन तमाम खबरों के बीच सुरेश रैना ट्विटर पर फिलहाल सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैंस रैना के उन क्रिकेट लम्हों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं जब उन्होंने मैदान पर खेल प्रति भावना की मिसाल कायम कर दी थी। साथ साथ ही फैंस का मानना है कि अगर यूएई के होटल रूम्स को लेकर विवाद हुआ है तो उसमें सुरेश रैना का पक्ष मजबूत भी है, और कुछ लोगों का यह कहना है कि उनका पक्ष कमजोर भी है, क्योंकि टीम में सभी खिलाड़ी एक बराबर होते हैं और सबको एक तरीके से देखा जाए। इसके साथ ही कई लोग यह भी मान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बाद जल्द ही रैना आईपीएल को भी अलविदा कह देंगे। रैना का आईपीएल से बाहर होना और उनका इन तरह का मनमुटाव और तानातानी होना, इस पे आपकी क्या विचार है, क्या वो सही है या गलत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।